કે જુસાબમારી માટે ખૂબ જ અગત્યનો આરોપી હતો કારણ કે લોકલ પોલીસ માટે માથાનો દુખાવો બની ગયેલો હતો. किस तरह से उसको अरेस्ट किया, उसके ऊपर क्या किस तरह से गुनाह थे दाखिल थे और किस तरह से वो पुलिस के लिए जुस्सा बला रखा पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था क्योंकि उसका जो एमओ थी कोई भी गुना करके फिर वो ऐसी जगह पे छुप जाता था कि जहाँ पे पुलिस या आम आदमी का जाना मुश्किल रहता था थोड़ा सा, बिकॉज वो एक डूंगर और जंगल जैसा कोई एरिया हो उसमें छुप जाता था. उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल है कि जिसको कोई फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है तो वो ऐसी जगह पे ज्यादा दिन तक छुप सकता है, तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल था. आपने किस तरह से कंप्लेंट करके किस तरह से उसको अरेस्ट किया, पूरा प्लानिंग किस तरह से काम कर रहे हैं? जैसे ही हमारे पीएसआई अग्रावत सर को बातमी मिला कि जुसब बोटाद जिला के देवझरी गांव में छुपा है और वो एरिया बिल्कुल इंटीरियर है जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि लेट नाइट हम लोग यहाँ से निकल गए थे. सुबह 4 बजे वहां पहुंच के दिन उजाला होने का थोड़ा इंतजार किया ताकि हमें वो फायरिंग करने की टेव वाला है तो हम रिएक्शन दे सकते हैं उसके ऊपर. चार मर्डर के केस से उसके ऊपर, बाकी लोकल शरीर संबंधी जैसे असोल्ट किया हो, किसी को मार दिया हो, लूट किया हो और पुलिस ऑफिसर या सरकारी कर्मचारी पे हमला किया हो, ऐसा उसके ऊपर. गैंग देखो मेन जुसब एक है, बाकी मेन जुसब एक है, बाकी उसके साथ रीत रहते हैं जो उसको टिफिन पहुंचाते हैं और छोटे मोटे गुन्ने करने में उसको हेल्प करता है. जनरली घोड़ो हॉर्स राइडिंग एंड बाइक नो उपयोग करते था. एनी पास सीपी जेड तो पैरों जंगली था. ओनली महिलाओं द्वारा कदाच आपेलू ऑपरेशन हे. थैंक यू.